लास्ट वीडियो में हमने बात किया टंकण भस्म को आप घर पे बड़ी आसानी से कैसे बना सकते हो, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टंकण भस्म के फायदे के बारे में। ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, फेफड़ों में ज्यादा म्यूकस हो जाना, कफ हो जाना, कोल्ड, कफ, बार बार जिनको कफ होता रहता है, या फिर ऐसे लोग जिनकी बॉडी का नेचर कफ का है, इन सभी के लिए टंकण भस्म एक रामबाण औषधि है। टंकण भस्म को अगर शहद के साथ मिला के दिया जाए तो सभी तरह की प्रॉब्लम्स को खत्म करती है। इसके अलावा स्किन डिजीज, फंगल जैसे कि सोराइसिस, एक्जिमा, रिंगवर्म, बार बार बॉडी में इचिंग होना, ऐसे लोग जिनको बालों में बार बार रूसी होती है, मींस जिनको डैंड्रफ की शिकायत, या फिर ऐसे लोग जिनको स्काल्प सोराइसिस है, इन सभी कंडीशन के अंदर टंकण भस्म को लगाना या फिर खाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपको बालों में रूसी है, अगर आपको बालों में डैंड्रफ है, स्काल्प सोराइसिस है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपनी कपाल शुद्धि मींस स्काल्प डिटॉक्स जरूर करें। इसके अंदर आपको जरूरत पड़ती है आधा चम्मच टंकण भस्म, 1 चम्मच नारियल का तेल, 2 से 3 चम्मच खट्टी दही, तीनों को अच्छे से मिक्स कर लो और इस पेस्ट को बालों पे अप्लाई करो। कपाल शुद्धि का पूरे वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इवन आपको आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। टंकण भस्म जो हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाती है, पेट के दर्द को खत्म करती है, और ये वात पित्त कफ तीनों दोषों को बैलेंस करने का काम करती है। अगर आप परेशान हो अधिक पसीने से, अगर आपको बहुत ही ज्यादा पसीना आता है और वो पसीने में से बहुत ही बदबू आती है, तो जब भी आप शावर लेने जाओ, जब भी आप नहाने जाओ, तो 1 बाल्टी गर्म पानी के अंदर आधा चम्मच टंकण भस्म मिला दे और उस पानी से शावर ले, स्नान करें, तो इससे आपकी अधिक पसीना आने की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अभी तक आपने जो भी मैदे वाली चीजें खाई, ऐसी चीजें जिसके अंदर ग्लूटेन की मात्रा ज्यादा है, जो आपकी आंतों के अंदर चिपकी रहती है, अगर इस चिपकी हुई ग्लूटेन को मैदे को निकाला ना जाए तो आपको कई सारी बीमारियां होती है। तो आपकी आंतों की डेटॉक्स के लिए, आंतों की सफाई के लिए टंकण भस्म बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये आपकी आंतों की पूरी तरह से सफाई करती है, और आप जो भी चीजें खाते हो उसमें से न्यूट्रिशन निकालने की, उस न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट करने की आंतों की क्षमता है उसके बढ़ाती है। आंतों की सफाई के लिए आप कंटिन्यू 3 दिन मॉर्निंग खाली पेट टंकण भस्म के साथ शहद मिला के इंटेक करें। 3 दिन के बाद इस टंकण भस्म को खाना खाने के बाद, मॉर्निंग के नाश्ते के बाद, रात के डिनर के बाद इंटेक करें। अगर हम बात करें इसके डोजेस की, अगर छोटा बच्चा है तो 50 mg से लेके 125 mg को दिया जा सकता है। अगर कोई एडल्ट है तो 125 mg से लेके आधा ग्राम जितना इसको दिया जा सकता है। एक बात का खास ध्यान रखें कि टंकण भस्म का यूज पूरे दिन के अंदर 1 ग्राम से ज्यादा ना करें। ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट है, अपने बच्चों को फीडिंग करवा रही, या फिर जिसकी बॉडी के अंदर पित्त की मात्रा ज्यादा है, वो लोग इसको कम मात्रा में यूज करें, या फिर अपने डॉक्टर की सलाह के बाद यूज करें। आज के लिए इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।